सोलन के चैल में वन प्राणी प्रजनन केंद्र खड़ियों के चौकीदार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय रमेश चंद्र निवासी जमलू गांव के रहने वाला है, जो कि चैल के जंगलों में स्थापित केंद्र में अपनी ड्यूटी दे रहा था, जो अचानक गायब हो गया। उसके साथ दूसरी बीट में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को जब वह काफी देर तक नहीं मिला और ना ही मोबाइल पर कोई संपर्क हुआ तो उन्होंने रमेश चंद की तलाश करनी आरंभ कर दी। तो एक जगह जंगल में लगी घास से कुछ संकेत प्राप्त हुए, जिसमें घास खाई की ओर मुड़ी हुई थी। शक के आधार पर खाई में जाकर देखा तो वहां रमेश चंद निढाल पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग और उसके परिजनों को दी। कंडाघाट के SHO संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि रमेश चंद ड्यूटी के दौरान करीबन 150 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसकी वजह से उसके सिर में भारी चोट आई है। उसे PSC चायल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उन्हें बताया कि पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर सोलन अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है। उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि असल में मौत का कारण क्या रहा होगा। पुलिस चौकी चायल में MO CH चायल ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो वन विभाग में कार्यरत है चायल में, गिरने के कारण जिसे अस्पताल लाया गया था और जिसे अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है और जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए RH सोलन लाया। मृतक रमेश कुमार का RH सोलन में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके पुत्र वीरेंद्र और सुमित को बॉडी हैंडओवर कर दी है। लड़कों ने बताया कि इसके साथ एक और भी इसका साथी था, उसका भी बयान कलमबंद किया गया, जिसका नाम चैन सिंह है। वो भी उसके साथ ड्यूटी पर तैनात था। जब रात को पेट्रोलिंग कर रहा था ये, तो कहीं अचानक गिर गया। तो जब इसको ये पता लगा कि भाई इसकी खाई में इसको मिला ये, और इसने इसके लड़के को इन्फॉर्म किया जो इसे CH चाय लाए थे, वहाँ से इसको यहाँ लाया गया।